अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है प्यारे दोस्तों, आज मैं एक नया एरर कोड डीसी इन्वर्टर पहल का एसी है, इस पर F6 आ रहा है। इसको मॉडल को देखते हैं और इस फॉल्ट को तलाश करते हैं किसका है। ठंडी हवा नहीं दे रहा और ऊपर कोड F6 शो कर रहा है। ये आपके सामने मॉडल है पहल का, यह बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। अब इसको ऊपर जाकर चेक करते हैं F6 का कौन सा मॉडल है, कौन सा एरर कोड शो कर रहा है। प्यारे दोस्तों, हम अब छत के ऊपर आ चुके हैं और इसका कवर भी ओपन कर दिया। सामने देखते हैं कि ये दो लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। नंबर जो एक है LED 1, वो ब्लिंक नहीं कर रही। इसका मतलब है कि हमारी किट में कुछ फॉल्ट शो हो रहा है। इसको देखते हैं और देखकर आपको बताते हैं इस एसी में क्या फॉल्ट है। ये सामने पहल का मॉडल शो रहा है, ठीक है। मैं अब इसको ओपन करता हूँ और फॉल्ट देखकर बताता हूँ कि F6 किस चीज़ का फॉल्ट है। हाँ जी प्यारे दोस्तों, ये इसका जैक लूज था, मैंने इसको बाहर निकाला, ये देखें, ठीक है। बाहर निकाल के ओपन कर दिया, ये किट आपके सामने, ठीक है। ये जैक उतरा हुआ है, ठीक है। इसका जैक बिल्कुल लूज था। अब मैं इसको जैक को लगाता हूँ, ठीक है। लगा कर चेक करते हैं कि वाकई F6 का जो एरर कोड है वो सेंसर के था। फिर दोस्तों, इसका मैंने जैक लगा दिया है। अब नीचे जाकर इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि F6 का फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। प्यारे दोस्तों, ये अब इसकी 1, 2, 3 LED मुकम्मल ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल किट जो है ओके बता रही है, क्या मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। नीचे जाकर मैं AC को चेक करता हूँ। ये फैन मोटर पे चल रही है, ठीक है। ये AC भी चल रहा है और ये कोई फॉल्ट अब शो नहीं कर रही। नीचे जाकर चेक करते हैं कि आया कि फॉल्ट इसका क्लियर हो गया। हाँ जी प्यारे दोस्त, अब ये टेम्परेचर 22 शो कर रहा है कमरे का और ये बेहतरीन कूलिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसका F6 का एरर, मैंने ऊपर जो सेंसर का जैक था वो बिल्कुल लूज था, उसको टाइट करके लगा दिया और ये अब AC बिल्कुल बेहतरीन वर्किंग कर रहा है। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भी कुछ लिखें ताकि मैं नई नई वीडियो आपके सामने शेयर करूं, आपके साथ शेयर करूं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, ठीक है प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।